हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी आलू की लोकमी। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और इसमें डाल देंगे 2 कप मैदा, 1/4 टीस्पून अजवाइन और फिर डालेंगे नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल और थोड़ा सा पानी। और अब हम आटे को गूंद लेंगे। आटे को हमें अच्छी तरह से गूंदना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब हम इस आटे पर थोड़ा सा तेल लगा देंगे और ढक कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। ये है 2 उबले हुए आलू और आलू को हम रफली मैश करेंगे, पूरी तरह से मैश नहीं करना है, सिर्फ हाथ से दरदरा मैश करना है। और अब हम इस आलू को पका लेंगे। इसके लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, फिर ज़ीरा और 1 प्याज फाइनली चॉप्ड, और प्याज को थोड़ा सा सौते कर लेंगे। और अब डालेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई, अब डालेंगे मसाले, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे हमारा मैश करा हुआ आलू। आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब डालेंगे कोथमीर और 1/2 लीमू का जूस और इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। अब डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब ये हमारी फिलिंग तैयार है, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम आटे के पेड़े बना लेंगे। पेड़ा हमें छोटा ही बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, और इसे बेल लेंगे। इस चपाती को हमें पतला ही बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं रहना चाहिए। अब हम इसके कोने काट लेंगे और इसे स्क्वायर शेप में बना लेंगे। अब हम इस पे हमारी आलू की फिलिंग रख देंगे। दोनों कोने पकड़ कर इसे फोल्ड कर देंगे और अच्छी तरह से कोनों को सील कर देंगे। और इसे बीच में से काट लेंगे। अब ये हमारी लोकमी तैयार है तलने के लिए। ऑयल को गरम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम लोकमी को फ्राई करेंगे।
इसे हमें सिर्फ गोल्डन कलर आने तक तलना है। लक्ष्मी को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ये देखिए बेहतरीन गोल्डन कलर आ चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। तल लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।